बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज अपने इस बहुत ही एडवांस एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के कंबाइन मिक्सचर के साथ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप एक सेम फॉर्मेट की चीज़ मल्टीपल लोगों के लिए एट अ टाइम कैसे तैयार कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपका रिजल्ट कार्ड हो सकता है जिसका फॉर्मेट सेम होता है लेकिन मल्टीपल लाखों स्टूडेंट के लिए होता है। आपका आईडी कार्ड हो सकता है, वो चाहे स्टूडेंट का आईडी कार्ड हो या क्या हो, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय का आईडी कार्ड हो। तो देखें फॉर्मेट सेम होता है लेकिन होता सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह की कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो आप अपने एम्प्लॉय को मूव करते हो, ओके, उसका फॉर्मेट सेम होता है लेकिन सबके लिए डिफरेंट होती है। सबका ऊपर नाम होता है, उसके ऊपर आईडी होती है, हर चीज़ मेंशन होती है, ओके। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सिखाने वाला हूँ, जैसा कि इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि आज हम बनाने क्या वाले हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने देखा होगा कि आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पेपर देते हो और पेपर देने के बाद पेपर आपके रीचेकिंग के लिए चले जाते हैं डिफरेंट सेंटर्स के अंदर। जैसे ही वो चेक होके वापस आते हैं तो रिजल्ट आने में सिर्फ 2 वीक्स रह जाते हैं और उन 2 वीक्स के अंदर पेपर की मार्किंग तो ठीक है लेकिन पेपर को दोबारा नए सिरे से अरेंज करना, उनका सारा रिजल्ट अपडेट करना, अपडेट करने के बाद उनको इंटरनेट पे जो है ना मूव करवाना, ओके, चढ़ाने के बाद उन सबका रिजल्ट कार्ड अलग अलग इंडिविजुअली तैयार करना, दोस्तों ये आसान काम नहीं है, ओके। तो मैं जब अभी मुझे इस चीज़ का नहीं था ना जब पता, तब मैं भी यही सोचता कि शायद पता नहीं यार कैसे ये काम होता है, यार कैसे ये लाखों स्टूडेंट का डाटा 1-2 वीक के अंदर ये कैसे रिजल्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं, ओके। लेकिन जब मैंने एमएस वर्ड के अंदर इतनी ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी देखी तो मैं समझ गया कि अच्छा यही वो अलादीन का चिराग है जो सब कुछ करता है, ओके, बैक एंड पे। तो मैं आज आपके सामने यही चीज़ लेके आया हूँ, ओके। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है एक आईडी कार्ड का, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, एक कंपनी है और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, ओके। और कैसे हम ये आज सीखेंगे कैसे हम ये एक आईडी कार्ड के साथ मल्टीपल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड तैयार कर सकते हैं, ओके। तो चलें लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट के बगैर। तो सबसे पहले दोस्तों मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और जस्ट उसका एड्रेस। तो उसके लिए दोस्तों हमें जितने एम्प्लॉय का तैयार करना है उन सबका डाटा पहले एमएस एक्सेल के ऊपर हमें इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी emp_id, ठीक है, यहां पे उसका नेम, यहां मुझे चाहिए उसका एड्रेस। तो दोस्तों इससे पहले हमने एमएस एक्सेल के बहुत से एडवांस वीडियोस मैंने आपको सिखाई जिसमें मैंने वी लुकअप, एज लुकअप और बहुत इफ एल्स, सम इफ्स, ओके, सम इव्स, काउंट इफ, ये बहुत सी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख के भी ये सारी चीजें कवर अप कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कैसे अपने इन तमाम कॉलम की अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अपनी आई डी की अगर आपने अलाइनमेंट करनी है तो आप सिंपल यहाँ से पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जितना एरिया चाहिए आप उतना एरिया यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर नाम आपको पता है एम्प्लॉय का बड़ा काफी हो सकता है तो वो भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। तो मैं यहां पे सिंपल 2 कॉलम की स्पेस ले लेता हूं। इस तरह एड्रेस के लिए फॉर एग्जांपल मैं 3 कॉलम की स्पेस ले लेता हूं यहां पे। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से मैंने तैयार कर दिया इसे। इसको तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। तो 101 मैंने आईडी दी पहले एम्प्लॉय की, दूसरे एम्प्लॉय की आईडी मैं कैसे दूंगा 102। अब देखें क्या बाकी सबकी मैं खुद लिखूंगा, नो खुद नहीं लिखूंगा। मैं अब क्या करूंगा जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के ड्रॉप डाउन कर दूंगा, ये खुद ब खुद तैयार कर देगा आपको, ओके। तो ये 1010 तक कंप्लीट हो गया, ओके। देन मुझे इसी तरह आप इस नाम की अलाइनमेंट करें लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं इसकी अलाइनमेंट खूबसूरती के साथ ज़रा कर दूँ, ओके। उसके लिए मैं क्या करता हूँ ये यहाँ से अलाइनमेंट कर लेता हूँ सेंटर में और ऊपर से भी सेंटर में कर लेता हूँ, ओके। इसके अलावा मैं जो मेरी हेडिंग्स हैं इनको मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको किया बोल्ड और यहाँ से इटैलिक कर लिया। मैं इसको थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ, चलें इतना इतना काफ़ी ठीक है, ओके। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा देता हूँ यहाँ से कलर जो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने वाले को, ओके। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये, और इसका फॉरग्राउंड कलर मैं सेट कर लेता हूँ वाइट, ओके। यहाँ तक ये होपफुली आपको अच्छे तरीके से अब कवर अप होगा। अब देन मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, ये खीजे हीरा मारूख, ओके, अली तलहा, ओके। देन उसके बाद कुछ भी, तो मैं जल्दी से ये सारे नाम और एड्रेस पूरे कर लेता हूँ।
तो ये दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सारे नेम और ये एड्रेसेस पूरे कर लिए हैं। अब आपने करना क्या, जैसे ही आपका डाटा हो कंप्लीट, मीन जितने भी हमने एम्प्लॉय का बनाना था आईडी कार्ड, उन सब का डाटा जब आप फुलफिल कर लें, सारा मीन उनके सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू आप लिख लें, लिखने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सारे सारे डाटा को क्या करना है, जो डाटा आपने मीन जिनका आईडी कार्ड तैयार करना है उन सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ऊपर जो आपके पास ऑप्शन है होम के बाद इंसर्ट की, आपने इस ऑप्शन पे जाना है। ओके सिंपल, तो इंसर्ट के ऊपर किया क्लिक, देन यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन है टेबल की, इस टेबल के ऑप्शन के ऊपर आपने कर देना क्लिक। जैसे दोस्तों आपने इस टेबल के ऑप्शन के ऊपर किया क्लिक, तो आपके पास कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट आ चुका है। ओके मीन एक ऑप्शन पैनल ओपन होगा, इस पैनल के अंदर लिखा हुआ है माई टेबल हैज हैडर, क्या तुम अपने टेबल का हैडर बनाना चाहते हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर टिक कर देना। ओके माई टेबल हैज हैडर के साथ ये आप चेक बुक है, इसको चेक कर देना, चेक करने के बाद आपने ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे दोस्तों, तो ये देखें ये एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मीन एक टेबल की फॉर्म में जा चुका है ये आपका सारा का सारा डाटा। ये करने के बाद आपने सिंपल अपने डाटा को सेव कर देना। तो मैं यहाँ जाता हूँ फाइल में और यहाँ जाता हूँ इसे सेव कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसे अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, ताकि मुझे एक्सेस करना ईजी हो। तो मैं यहाँ पे इसे बुक वन के नाम से सेव कर लेता हूँ, तो मैंने इसे दोस्तों कर दिया सेव। तो अब आप गौर कर लो, ये आपकी फाइल कहाँ सेव है, डेस्कटॉप के ऊपर, किस नाम से, बुक वन के नाम से, और इसकी शीट का नाम क्या, शीट वन। ओके तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी होती हैं, क्योंकि आपकी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, आपकी बुक का नाम, वर्कबुक का नाम क्या है, और आपकी शीट जिसके ऊपर ये डाटा है उसका नाम क्या। ओके तो इसका नाम आप रीनेम भी कर सकते हैं अपनी शीट का। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तो ये देखिए ऑप्शन आ चुके हैं रीन, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है रीनेम की। ओके तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रीनेम नहीं करूँगा। ये सिंपल करने के बाद आप अपनी MySQL की जो है ना फाइल को, MySQL की फाइल को, MS Excel की फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। ओके सिंपल, ये करने के बाद सिंपल दोस्तों अब आपने करना क्या, अब आपको सिंपल बताने लगा हूँ। अब आपने गौर से करना, पहले आपने ये फॉर्मेट तैयार कर लेना अपने आईडी कार्ड का। ये फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको ये फॉर्मेट तैयार करना भी सिखाया करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। ओके प्रॉपर कि हम कैसे एक बेहतरीन फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ओके कैसे हम ये इसको ऐसे अलाइन कर सकते हैं इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो इसके बॉर्डर कैसे हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप मुझे कहेंगे तो। देन हम चलते हैं और अपनी प्रॉपर इंपॉर्टेंट काम पे जाते हैं, ठीक है। मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको अच्छे से नजर आ सके। अब मैंने आपको बताना क्या, आपने सिंपल यहाँ पे देखें ये आपके पास क्या आ रही है, मेन्यू बार आ रही है। इस मेन्यू बार के अंदर अगर आप गौर करें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही है मेलिंग की। आपने सिंपल क्या करना, जैसे ही आपने एमएस एक्सेल की जो फाइल बनाई है सेव कर ली, सेव करने के बाद आप अपने एमएस वर्ड पे अपना ये तैयार कर लेना फॉर्मेट। फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपने सिंपल जाना मेलिंग की ऑप्शन पे, मेलिंग्स। ओके यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट रिसेप्ट के नाम से, ओके रिसीव रिसिपिएंट्स के नाम से, जो भी नाम लिखा हुआ है। ओके सिलेक्ट रिसिपिएंट्स, ओके यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रही है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके क्या ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आपकी एम एस एक्सेल की फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो मेरी एम एस एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, मेरी ये फाइल का नाम है बुक वन, देन आपने इसे ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कौन सी शीट के ऊपर आपका डाटा है। तो ये देखिए अभी फिलहाल हमारी ये कि शीट है शीट वन के नाम से, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल उस शीट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप ओके के ऊपर करोगे क्लिक, देन आपके पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन हो गया। ओके और यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ओके सिंपल इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें जो आपने वहाँ पे हेडर के अंदर दो तीन हेडिंग थी आपकी मेन एम्प्लॉय आईडी नेम और एड्रेस, वो यहाँ से उठाना है। और ये देखें यहाँ पे आगे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना यह एम्प्लॉय आईडी आपने कहाँ पुट करवानी है। ओके पहले इसे पाथ बता देना। तो मैंने चूंकि इस एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे इस जगह पे लेके आना, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ सेलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे ये देखें आ गई है। आने के बाद अब मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले पाथ बताऊंगा अपना। पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपने ये चीज़ रखवानी होती है। ओके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल दोबारा इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है और यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये देखें ये नेम आपका यहाँ पे आ चुका है। देन उसके बाद मुझे चाहिए एड्रेस, तो एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा एड्रेस आए, तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ जाऊँगा इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाता हूँ और यहाँ पे एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें यहाँ पे आपका एड्रेस आ चुका है। आने के बाद अब आपने करना क्या, अब आपको यहाँ पे नेम सिर्फ तो आपने एट्रीब्यूट के नाम लिखे हैं दोस्तों, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने करना सिंपल जस्ट क्या है, यहाँ पे देखें ये आपकी ऑप्शन आ रही है सबसे लास्ट पे फिनिश एंड मर्ज, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है
एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के, इसका मतलब ये होता है कि आपने हर अपने एम्प्लॉय के आईडी कार्ड को इंडिविजुअली एडिट करना है। ओके, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपसे पूछा गया था क्या तमाम आईडी कार्ड को, मीन जितना रिकॉर्ड है सबका आईडी कार्ड बनाना है कि किसी चंद एक का बनाना है, मीन करंट रिकॉर्ड सिर्फ बनाना है, सिर्फ एक एक ये जो करंट अभी बनाया है सिर्फ इसको बनाना है। ओके, देन उसके बाद तीसरी ऑप्शन है फ्रॉम, कि अगर तुम चाहते हो कस्टम कि कहाँ से लेके कहाँ तक, मीन इतने सिर्फ एम्प्लॉय का बने, मीन एम्प्लॉय वन से लेके एम्प्लॉय सिर्फ 10 तक सिर्फ बने, बाकी किसी का ना बने, तो उसके लिए आप यहाँ पे फ्रॉम के ऑप्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे बताएंगे रेंज अपनी कि कहाँ से लेके कहाँ तक बनाना है। लेकिन मैं चाहता हूँ सब के सबके बन जाए, तो मैं आर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैंने ओके किया तो कुछ ही देर बाद आपका सारे का सारा डाटा बूम गाइस आ चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें एम्प्लॉय आईडी पहले स्टूडेंट की वन, पहले एम्प्लॉय की 101, उसका नेम खिजर, उसका एड्रेस देखें यहाँ आ चुका है। देन उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाता हूँ और ये देखें बूम गाइस दूसरे एम्प्लॉय का, ये देखें 102, उसका नेम हीरा और उसका एड्रेस ये है। देन तीसरे का स्टूडेंट आईडी का, एम्प्लॉय आईडी का, ये देखें उसका आईडी, उसका नेम और उसका एड्रेस। देन चौथे का ये देखें, चौथा अली, पांचवा आपका एम्प्लॉय तलहा, ओके, छठा आपका एम्प्लॉय हसीब, सातवां आपका एम्प्लॉय हसन, आठवां आपका एम्प्लॉय अरूज, ओके, और नौवीं आपकी एम्प्लॉय मरियम, दसवां आपका एम्प्लॉय जो है वो कौन है जी, नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं, चलें इसे, तो ये देखें बूम हमजा, ओके, और उसका एड्रेस ये है। तो देखें दोस्तों 10 रिकॉर्ड थे हमारे पास, उन 10 का इंडिविजुअली हम बना के आ चुके हैं। और मैं आपको थोड़ा कम जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देखें बूम गाइस, ये देखें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार, हर इंडिविजुअली आपके एम्प्लॉय का आईडी कार्ड तैयार हो चुका है। देखें फॉर्मेट एक था लेकिन जितने रिकॉर्ड थे सबका सेम एज वैसे का फॉर्मेट तैयार हुआ, लेकिन देखें सबका अपना अपना डाटा है। ओके, ये देखें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम अपना अपना सबका, ओके, एड्रेस अपना अपना सबका। ये कहाँ से उठाया, ये हमने एमएस एक्सेल की फाइल से उठाया। तो ये देखें बूम गाइस, ये देखें आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंशाल्लाह हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आप इस तरह की अगर अच्छी अच्छी वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप इन्फॉर्म करें। मैं इंशाल्लाह इस तरह मेहनत के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ खाया करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।